हाय गाइस, माय नेम इज़ सौरभ एंड आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग कैसे अपना कैरेक्टर गेम थोड़ा एस कर सकते हैं, कैसे आप लोग एक रियलिस्टिक स्किन शेड बना सकते हैं मार्मोसेट टूल बैग में। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि आपको शेडर्स कैसे बनाने हैं एंड प्लस थोड़ा सा पार्ट है जो आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर रहेगा। तो गाइस, लेट्स गेट इनटू इट। तो भाई, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है मार्मोसेट टूलबैग। इसको आप प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड गेमिंग के लिए काफ़ी यूज़ होता है ये। तो गाइस, मैं अपने मैप्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जो ये मैप है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको अल्बिडो मैप बोलते हैं, या फिर आप डिफ्यूज मैप, कलर मैप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने एक्चुअली मारी में प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है कैविटी मैप। तो मैंने कैविटी मैप बनाया हुआ है ZBrush से और थोड़ा सा मैंने नॉर्मल मैप को यूज़ करके उसको एनहांस किया है। ये है हमारा नॉर्मल मैप, ये मैंने स्ट्रेट ZBrush से निकाला है, मतलब सब डिविजन लेवल वाला सिस्टम है अपना। इसमें मेरी सारी स्किन डिटेल्स है, सारे रिंकल्स, पोर्स एंड एवरीथिंग है। बाकी तो आपको पता ही है, ऑक्लूजन वगैरह है एंड देन स्पेकुलम मैप है। तो गाइस, ये जो मॉडल है ये मैंने एक टेस्ट के लिए बनाया था। तो अभी मैं उसमें एक शेडर अटैच करके HDRI थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं फाइनल HDRI ये नहीं रहेगा, मैं लाइटिंग चेंज करूँगा तो साथ में रहेगा। और आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आप लोग को पता वहीं पे ही क्लियर कर दूंगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ होगा। तो गाइस, मैंने अभी मॉडल लोड किया है एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंटेशन की वो है फोकल लेंथ। सो गाइस, हाँ, जैसे कैमरा में फोकल लेंथ रहता है वैसे ही यहाँ पे भी फोकल लेंथ रहता है, एंड जैसे ही कैमरा में वो उतना इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे भी वो उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आप लोग को कुछ एक्यूरेट बनाना है तो आपको फिजिकल चीज़ें जो स्टैंडर्ड्स जो सेट किए हैं वो डेफिनेटली यूज़ करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी यहाँ पे कैमरास के हिसाब से, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के हिसाब से हम लोग को फोकल लेंथ रखनी पड़ती है। मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 18 के अराउंड फोकल लेंथ रखी है एंड मैं थोड़ा यहाँ पे आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि डिफरेंट फोकल लेंथ से कितना फर्क पड़ेगा। गाइस, जनरली जो 18-55 वाला रेंज है उसको बेस्ट कंसिडर किया जाता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए। आप थोड़ा एस्थेटिक आर्टिस्टिक होने के लिए आप चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से आप वो रख सकते हो, बट मैं जनरली प्रेफर करूँगा 18-55 का रेंज बेस्ट है। तो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने अपना फोकल लेंथ सेट कर दिया है एंड जो सेकेंड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है स्केलिंग। लाइक आपका जो मॉडल है वो रियल वर्ल्ड स्केल से काफ़ी मैच खाना चाहिए बिकॉज आपका शेडर उस हिसाब से एक्ट करेगा। आपका जो ट्रिपल एस है, जो सबसरफेस स्कैटरिंग है, वो बहुत मेजरली अफेक्ट करता है आपका स्केलिंग पे, आपका वर्ल्ड स्केल क्या है और आपका जो मॉडल है उसका स्केल क्या है। तो गाइस, हम लोग स्केल एंड यूनिट्स में जाके अपना वर्ल्ड स्केल और जो मॉडल का स्केल है दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। एंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नोटिस करने के लिए वो ये है कि आपका जो मॉडल है वो 1 फीट के अंदर आना चाहिए। आप 1 फीट से थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और उसको छोटा भी कर सकते हैं, बट जनरली मैं रिकमेंड करूँगा 1 फीट के अंदर, बिकॉज हम लोग का जो हाइट रहता है वो हेड्स के काउंट के हिसाब से होता है। तो गाइज, यहाँ पे मैंने शो स्केल रेफरेंस किया हुआ है जिसकी वजह से वो आदमी आ रहा है एंड मैं अपना हेड को जितना हो सके वो 1 फीट के रेंज के अंदर रखना चाहता हूँ। तो गाइज, अभी यहाँ पे मैं अपना सारा शेडिंग नेटवर्क जो है उसको हटा रहा हूँ, जितने भी मुझे इम्पोर्टेंट जो टैब्स चाहिए एक एक करके मैं उनको यूज़ करूँगा एंड मैंने यहाँ पे अपने नॉर्मल को डिटेल नॉर्मल पे स्विच कर दिया है। तो अगर डिटेल नॉर्मल के बारे में अगर जिन लोगों को नहीं पता है
मैं बताना चाहता हूँ। डिटेल नॉर्मल एक्चुअली एक सेकेंडरी नॉर्मल का मैप है, आप अटैच कर सकते हो और आपको नहीं करना है तो भी आप उसको अवॉइड कर सकते हो। तो इसमें मैं एक एकदम पोर्स वाला इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है मैंने, बस एक नॉर्मल मैप था जिसमें लाइक ऐसा काफ़ी पोर्स वगैरह थे, तो फिर मैंने उसको टाइल कर दिया है पूरे सर्फेस पे। एंड यहाँ पे आप लोग डिटेल वेट मैप भी यूज़ कर सकते हैं, वो जनरली ब्लैक एंड वाइट के रेंज पे रहता है, तो इससे आपको जितने जिन एरियाज पे नहीं चाहिए उन एरिया से हटा सकते हैं, जिन जिन एरियाज पे चाहिए उन पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं मैप यूज़ नहीं कर रहा। तो गाइज ये रहा मेरा नॉर्मल मैप, देख सकते हैं आपको नॉर्मल मैप कितने अच्छे से बेक हुआ है। एंड अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल मैप आपको यूज़ करना इसीलिए है क्योंकि आपको स्पेक्युलैरिटी ब्रेक करनी है। अगर आपको नहीं ब्रेक कर लाइक अगर आपको उस लेवल तक ब्रेक नहीं करना है तो आप उसको नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बिना उसके भी काम हो सकता है। मैं जनरली यूज़ नहीं करता हूँ बट इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यूज़ कर रहा था बिकॉज मेरे को ट्राई करना था कि मैं क्या। तो गाइस मैं अपना ग्लॉसीनेस कैसे चेक करता हूँ, मैं अपना एल्बिडो ब्लैक कर देता हूँ। तो उससे होता यह है कि अब मुझे सिर्फ शाइनी पार्ट ही दिखता है। अब मैंने यहाँ पे अपना ग्लॉस मैप यूज़ किया है, मेरा ग्लॉस मैप का रेंज है ग्रे, मिड ग्रे टू वाइट। मैं चाहूँ आप चाहो तो उसको थोड़ा सा डार्क ग्रे भी कर सकते हो, जितना आपका वाइट पोर्शन रहेगा उतना ज़्यादा वहाँ पे स्पेक लाइक ग्लॉसीनेस आएगा, स्पेक हाँ ठीक है उतना ज़्यादा आपके वहाँ पे वो शाइन करेगा। तो यहाँ पे मैं होराइजन स्मूदिंग में जनरली बंद कर देता हूँ, मेरे को इतना पसंद नहीं है होराइजन स्मूदिंग बिकॉज कभी कभी वो गलत आर्टिफैक्ट देता है। मे बी मैप अगर सही तरीके से बेक करा हो तो शायद आपको मिल जाए अच्छा खासा कुछ इफेक्ट, या फिर मैं अभी तक हार्ड सरफेस इस पर टेक्सचर करके रेंडर नहीं किया, मैं हार्ड सर्फेस आर्नोल्ड पे ही रेंडर किया हूँ। तो गाइस मैं अभी अपना कलर मैप अटैच कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो गाइस मैं ये जो ग्लॉस मैप अटैच किया है मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं रहूँगा, मैं एंड में काफ़ी चेंजेस करूँगा। तो आप लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान पे रखिए कि जो मैं इसमें वैल्यूज़ बता रहा हूँ वो 100% एक्यूरेट नहीं है, आप अपने मॉडल के हिसाब से वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना एल्बिडो अटैच किया है एंड मैंने वो कलर को ब्लैक से वाइट पे स्विच कर लिया है। अभी मैं रेड पर्पल ब्लू ग्रीन सब कर रहा हूँ, उसमें तो मज़ा आया नहीं। तो गाइस जैसे अगर आपका मैप डीसैचुरेटेड है और इंस्टेड ऑफ आप जाके फोटोशॉप में उसको सैचुरेट करने से करना चाहते हो, अब यहाँ पे भी उसको कलर के ऊपर लेके जाके थोड़ा सैचुरेशन दे सकते हैं, या फिर अगर आपको वेरिएशन चाहिए तो आप वो कलर स्लाइडर्स से कर सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज जनरली अगर आप किसी को दोगे तो अपना टेक्सचर फाइल भी दोगे, और इन केस अगर उसके पास सेम सेटिंग्स नहीं हुई जो आपके पास है तो आपका रेंडर अलग लगेगा और आपने जो टेक्सचर्स दिए हैं वो अलग लगेंगे। आप इसको थोड़ा आर्टिस्टिक वे में यूज़ कर सकते हो आगे जाके, लाइक अगर आपको वेरिएशंस चाहिए, आपने कुछ कैरेक्टर बनाया उसको आपको हल्क जैसा बनाना है तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो। तो गाइज ये मैंने अपना HDRI अभी 1 पे रखा हुआ है जिसमें को काफ़ी डार्क लग रहा था, मैं होराइजन स्मूथिंग के साथ चेंजेस करके देख रहा हूँ। दोस्तों मतलब काफी सारे फोरम्स हैं वहां पे आपको पढ़ने के लिए इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वहां से भी पढ़ सकते हो। एंड अगर कुछ भी हो तो मैं हुई मुझे DM कर देना, कमेंट पे लिख देना, मेल ID भी दे दूंगा, मेल कर देना, सब कर देना, और मुझे बताते रहना कि आप लोग को और क्या चाहिए नेक्स्ट, बिकॉज मैं बनाने को तैयार हूँ, आप लोग बस मुझे बताओ। तो सबसे अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करेंगे जो थोड़ा गेम ऊपर करेगा, वो है सब सरफेस स्कैटरिंग, मतलब तो सीधा ही चेंज कर देता है मॉडल को आते ही। गाइस सब सरफेस स्कैटरिंग जिन लोग को नहीं पता उन लोग को ये बता दूँ कि जैसे अपना अगर आपने कभी फ्लैश पे उंगली रखी होगी तो आपको आपकी उंगली लाल हो गई होगी, एकदम चमकती हुई उंगली, तो वही है सब सरफेस स्कैटरिंग।
तो ये काफ़ी ज़्यादा जगह पाया जाएगा आपको, लीव्स में मिलेगा, अंगूर बेस्ट एग्जांपल है। तो गाइस वही है कि लाइट पेनेट्रेट होती है सरफेस से, आप लोग उसको ट्रांसलूसेंसी के साथ भी थोड़ा सा अटैच कर सकते हो, बट हाँ ठीक है आप अटैच कर सकते हो उसको। एंड ये मैं अभी उसका डेप्थ बता रहा हूँ कि इसको कौन सा कलर है सबसे अंदर एंड वो कितना अंदर तक पेनेट्रेट करेगा। तो गाइज ये जितनी भी वैल्यूज़ है ये सारी इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ है, अगर आप लोग को चाहिए तो आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ कॉपी कर सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बट अगर आपको चाहिए तो आप कॉपी कर सकते हो, ट्राई करो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का। जो मैं वैल्यूज़ दिया हूँ उनके अराउंड रह के खेलना है तो वो कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से अपना अपने स्किन का सब सरफेस स्कैटरिंग आप डिसाइड कर सकते हो, या फिर फिजिकली एक्यूरेट रहने के लिए आप इंटरनेट पे जाकर ढूंढ सकते हो कि कितनी सब सरफेस स्कैटरिंग वैल्यूज़ किस रेंज पे रहनी चाहिए। तो गाइस ये GGX वाला जो सीन है जो मैंने अभी रिफ्लेक्टिविटी के अंदर किया, मैं आपको ये बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जब मैं इन डेप्थ ट्यूटोरियल बनाऊँगा। तो गाइस जो ये मैंने अभी अटैच किया है वो है मेरा स्पेक्युलैरिटी मैप, आप देखोगे स्पेक्युलैरिटी मैप में कितने सारे ग्लॉसीनेस वाले एरियाज को कट डाउन कर दिया है एंड कितने कुछ एरियाज ज़्यादा शाइनी कर दिए हैं। तो मैंने ये मैप कैसे बनाया, मैंने ये मैप बनाने के लिए मेरा कलर मैप को डीसैचुरेट करके लेवल से उसको थोड़ा डार्क किया एंड एक और उसको थोड़ा लाइट किया एंड उस पर मैंने मास्क चढ़ा के जितने एरियाज मुझे लाइट चाहिए थे मैंने उधर फोकस किया है। तो मैं फ्रेशनल हटा देता हूँ, मुझे काफ़ी पसंद नहीं है फ्रेशनल। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अभी सेकेंडरी रिफ्लेक्शन, तो यहाँ से आपको एक और थोड़ा लेवल अप मिल जाता है अपने फेस के ऑयलीनेस पे। तो गाइस यहाँ पे मैं हराइजन ऑक्लूजन तो बंद ही कर दूँगा शायद, अगर आप लोग को थोड़ा अजीब लग रहा हो ऑडियो बिकॉज मैं रिकॉर्ड किया हूँ फ़ोन पे, सेटअप उतना है नहीं, तो गाइस फ़ोन पे रिकॉर्ड किया है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ ही बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ फ्रेशनल में बंद कर देता हूँ, फ्रेशनल मुझे पसंद ही नहीं है बिकॉज फ्रेशनल मेरे हिसाब से फ्रेशनल और फास्ट जो है वो थोड़ा वेलवेट वाले मटीरियल्स पे ज़्यादा बेटर लगेगा। यहाँ पे आप ग्लॉसीनेस के साथ थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, इंटेंसिटी के साथ थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, ये सारी इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ है जो मैं बता रहा हूँ वो 100% राइट नहीं है, इट्स अप टू यू गाइस आप लोग को कितना रखना है। आपको जो बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आ रही होगी तो वो मेरा लैपटॉप का फ़ैन का आवाज़ है, मतलब इसका काफ़ी टाइम हो गया मैंने क्लीन नहीं किया तो फिर थोड़ा सा आवाज़ दे गया। अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो डिटेल नॉर्मल है वो कितना इफेक्ट करता है, लाइक किस रेंज तक इफेक्ट करता है, लाइक आपको दिख रहा है वो स्पेक्युलैरिटी कैसी है, अभी देखिए कितना डिफरेंस, लाइक सारे फॉर्म्स ब्रेक कर रहा है वो। तो अगर आप सही डिटेल नॉर्मल मैप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे, स्किन स्ट्रेचिंग के इफेक्ट्स मिल सकते हैं आपको अगर आप सही डिटेल नॉर्मल मैप यूज़ कर रहे हैं। बाद में ZBrush के ट्यूटोरियल्स भी बनाऊँगा और आप लोग को बताऊंगा कि आपको खुद के डिटेल नॉर्मल मैप्स कैसे बनाने हैं, खुद के मैप्स कैसे बेक करना है, बस मुझे कमेंट सेक्शन में भर दो तुमको क्या चाहिए। हाँ मैं मॉडलिंग टेक्सचरिंग करता हूँ, मैं एफएक्स उतना नहीं करता, मैं सोचूंगा अगर एफएक्स बिकॉज एफएक्स मुझे नहीं जमता है, मैं ऑनेस्ट रहूँगा आप लोगों से, एफएक्स नहीं जमता है, एफएक्स एनिमेशन तो एकदम घटिया है, मतलब मैं एनिमेशन कर दें मतलब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इतना गंदा एनिमेशन है मेरा, एनिमेशन ट्राई भी नहीं करना मेरे को, मेरे को नहीं जमता यार। शायद यहाँ पे अभी जो टैब मैं यूज कर रहा हूँ वो है ओक्लूजन। ओक्लूजन जिन लोगों को नहीं पता वो क्या है, जब दो सरफेस टच होते हैं तो जो
सरफेस टच होते हैं, जब जो शेडो जैसा बनता है उसको ओक्लूजन बोलते हैं। लाइक जहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको बताऊंगा आराम से। तो अभी यहाँ पे मैं ओक्लूजन के साथ थोड़ा छेड़छाड़ कर रहा हूँ। ओक्लूजन मुझे ज़्यादा उतना तो पसंद है नहीं, बिकॉज मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ ओक्लूजन थोड़ा कलर मैप में। एंड यहाँ पे मैं अभी कैविटी यूज़ कर रहा हूँ। कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, टेक्सचरिंग में कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको पता है कि कुछ एरियाज हैं जहाँ स्पेकुलैरिटी नहीं जा सकती, बट वहाँ जा रही है, तो आपको कैविटी से उधर स्पेकुलैरिटी कैंसिल करनी होती है। अंदर आपके जो क्रीजेज रहते हैं लिप्स के अंदर वाले पार्ट होते हैं, लिप्स का ऊपर वाला पार्ट शाइन करेगा, क्रीजेज के अंदर वाला पार्ट शाइन नहीं करेगा, बिकॉज उधर लाइट पहुँचेगी नहीं। या तो इट शुड बी वेरी ऑयल लाइक वेट टू शाइन, और वहाँ पर शाइन नहीं पहुँचेगा। तो आप इसको आप इससे अपने डिफ्यूज भी इफेक्ट करवा सकते हो और अपना स्पेक्युलैरिटी भी इफेक्ट करवा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज़ कीजिए, अगर आपको वो इफेक्ट नहीं दे रहा है तो मत यूज़ कीजिए। तो गाइस जनरली यहाँ पे मेरे जितने भी मैप्स हैं वो 2K है आई गेस, एंड मैंने ऑलमोस्ट मतलब कुछ ही मैप्स लाइक मैंने अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक ही मैप प्रोजेक्ट किया है वैसे मारी में जाके मैंने अभी तक एक ही मैप प्रोजेक्ट किया है, वो अपना कलर मैप है। एंड देन फिर बाकी तो मैंने ZBrush और फोटोशॉप पे ही पूरा काम किया हुआ है। अगर आपके यहाँ पे रेजोल्यूशन अच्छा रहेगा मैप्स के लाइक 4K तक रहेगा तो आपको बहुत अच्छे डिटेल्स मिल सकती है। बट गेमिंग के हिसाब से अगर आपको गेमिंग में अब 4K अगर आपको प्रेजेंटेशन ही करना है और अगर आपको ज़्यादा क्लोज नहीं लेके जाना है, ज़्यादा क्लोज नहीं चाहिए रेंडर्स में, तो फिर आप 2K भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हाइपर एकदम फुल रियलिस्टिक चाहिए तो आप 4K 8K है PC में तो कर लीजिए, मतलब खींचिए जितना खींच सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे कर रहा हूँ ध्यान, उसे लाइक मैं उतना लाइटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जितना अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया मैं आप लोग को उतना उस हिसाब से बता दूंगा कि मतलब मैं कैसे लाइट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3-point लाइटिंग सेटअप रखने की कोशिश की है, मैं थोड़े और एक्स्ट्रा लाइट्स भी ऐड किया है क्या हूँ, हिंदी बहुत गंदी है। तो गाइस यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको वो है विड्थ, विड्थ लेंथ शेप वाला जो सेक्शन है ना वो आपको डिसाइड करता है कि आपकी लाइट कैसे रेक्टेंगुलर लाइट रहेगी कि सिलेंड्रिकल रहेगा क्या रहेगा बस रहे कुछ तो भी। और जो मैंने HDRI इसलिए रखा है बिकॉज मैं लाइक एकदम कुछ एरियाज एकदम डार्क नहीं चाहता, लाइक वहाँ हल्का सा तो थोड़ा लाइट रहे, लाइक मेरे को कुछ क्रिस्प डार्क एरियाज नहीं चाहिए थे। अगर आपको कभी ऐसे हार्ड एकदम मतलब ऐसे कुछ एरियाज के बाद आपका लाइट बंद हो रहा है तो फिर अपना स्पॉट एंगल्स चेंज करके देखिए, ऐसा हो सकता है कि वो एरिया के बाहर वाला जो जगह है वो स्पॉट एंगल में नहीं आ रहा है, स्पॉट एरिया के अंदर नहीं आ रहा है, तो फिर आप लोग अपना स्पॉट एरिया एंगल शिट जो भी है सब चेंज कर लीजिए, ऐसा नहीं है। विथ लेंथ एक्स लेंथ वाई है वो अगर आप लोगों ने वीरे यूज़ किया होगा या फिर आर्नोल्ड यूज़ किया होगा तो जो आर्नोल्ड का एरिया लाइट वाला रेक्टेंगल है वो एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है, वैसा ही है। एंड जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व किया हूँ काफी सारे लोगों के रेंडर्स में या फिर काफ़ी रेंडर्स में, इट्स लाइक उसमें एक आर्क होता है, सी का आर्क रहता है। मतलब उसमें क्या होता है कि जो सी का जो कॉनवेक्स वाला साइड होता है उधर डार्क रहता है एंड जो कॉनकेव वाला रहता है उधर लाइट रहता है। मैं
डिस्क्रिप्शन पे एक फ़ोटो डाल दूंगा, आप देख लेना एंड थोड़ा आप आइडिया लगा लेना मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बेस्ट चीज़ है प्रेजेंटेशन के लिए वो है टर्न टेबल, जो फाइनल चीज़ है अगर आपको किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है। तो गाइस थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड दिस इज़ द वीडियो, ड्रॉप योर लाइक्स, लीव कमेंट्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।